कांग्रेस में नहीं जाएंगे विपुल गोयल, कयास पर लगाया विराम। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को बताया बेबुनियाद। कमल के फूल पर वोट डालने की अपील और 400 पार के नारे को करेंगे सार्थक। फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी की बड़ी टेंशन टल गई है। माना जा रहा था कि बीजेपी नेता विपुल गोयल बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस मामले पर कयास ऐसे भी लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया। दरअसल फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को टिकट न मिलने के बाद सोशल मीडिया पर चल रही विपुल गोयल के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विराम लगा दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शनिवार को प्रेस वार्ता करके इसका खंडन करते हुए कहा है कि उनके कांग्रेस में जाने की सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया गया है कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। उनके लिए पार्टी यानी भाजपा और शीर्ष नेतृत्व का फैसला बड़ा है। पार्टी ने उन्हें हरियाणा में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है, जिससे वो संतुष्ट हैं। मैंने भी ये राजनीतिक चर्चाएं कुछ चैनलों के माध्यम से देखी, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्या सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति है क्या? यह चुनावी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुनाव भी लड़ाया, बहुत बड़े जिम्मेदाराना संगठन के पद पर भी मुझे रखा हुआ है। तो ये चुनावी प्रक्रियाएँ तो पार्टी तय करती है कि कौन व्यक्ति संगठन में रहेगा, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। तो मैं समझता हूँ जितनी भी बातें निराधार हैं किसी भी तरीके की। विपुल गोयल को लेकर लोग आकलन और इस तरीके की बातें जो अपने आप चला रहे हैं, मैं समझता हूँ इन बातों में कोई किसी तरीके की सच्चाई या दम नहीं है। विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पार्टी जो भी जिम्मेदारी लगाएगी विपुल गोयल उसी पे चलने का तरीके की मुलाकात नहीं। कोई कांग्रेस से कोई किसी तरीके का संपर्क नहीं हुआ। और रही कांग्रेस की बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी समर्थन से, पहले से भी ज़्यादा सीटों से, जो कि हमारे माननीय मोदी जी ने दावा किया है कि 400 पार का जो नारा है उसको सार्थक करने का काम करेंगे, उसको सफल बनाने का काम करेंगे। और सामूहिक प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इस देश की जनता करने जा रही है। और मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि तीसरी बार पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर पर विश्वास जताया है और लोकसभा की टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है, वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बीजेपी को वोट दें। उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि न केवल बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, बल्कि देश में 400 पार सीटें जीतकर फिर से तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सर्वोदय टीवी के लिए संजीव राठौड़ की रिपोर्ट।